लॉगिन करा मुंबई तक .in पर। मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। आपने कहा था कि अगर काला धन आएगा तो 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। इसका नागरिकों जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। बाबा जी, भारत पाकिस्तान का मैच है कल, अब पाकिस्तान कितना भी बोलो बाज नहीं आता, फिर भी मैच हो रही है, आपको ये सही लगता है? भारत और पाकिस्तान का मैच इन परिस्थितियों में होना वह हमारे राष्ट्रहित और राष्ट्र धर्म के विपरीत है, क्योंकि एक तरफ ये क्रिकेट का खेल और दूसरी तरफ आतंकवाद का खेल, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जिनको लोग अपना रोल मॉडल, आइकॉन, जिनको अपना आइडियल मानते थे, वो लोग भी जब इस प्रकार के इस षड्यंत्र में फंसे हुए दिखते हैं तो लोगों को एक गलत प्रेरणा मिलती है। सारी इंडस्ट्री को मिलकर के अपना कचरा साफ करना चाहिए, नहीं तो यह उनके लिए भी खतरा होगा, आत्मघाती होगा। लॉगिन करा मुंबई तक .in पर।